आज की इस क्लास में हम एमएस वर्ड में ग्राफिक्स को यूज करना सीखेंगे। ग्राफिक्स में हम सबसे पहले बात करेंगे वर्ड आर्ट की, किस तरह से हम वर्ड आर्ट को बहुत ही इफेक्टिव तरीके से एमएस वर्ड में यूज कर सकते हैं, और वर्ड आर्ट से जुड़ी जो भी कमांड्स होंगी उन सभी को यहाँ पर हम प्रॉपर वे में समझेंगे। एमएस वर्ड में वर्ड आर्ट को यूज करने के लिए सबसे पहले हमें जाना होगा इंसर्ट टैब पर। जो हमारे टैब्स हैं, सेकेंड वाला टैब इंसर्ट टैब होता है, इस पर जाना है और यहाँ पर हमें वर्ड आर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होता है। देन आपके सामने एक मेन्यू अपीयर होगा। इस मेन्यू में आपके सामने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वर्ड आर्ट शो होंगे, इनमें से आपको किसी एक वर्ड आर्ट को सेलेक्ट कर लेना है। सपोज करते हैं हम फर्स्ट वाला वर्ड आर्ट ले लेते हैं। जैसे ही आप वर्ड आर्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, देन आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जहाँ पर आपको वह वर्ड टाइप करना है जिसे आपको वर्ड आर्ट में यूज करना है। तो यहाँ पर हम सिंपल एक वर्ड टाइप कर लेते हैं। ओके क्लिक करने के बाद वर्ड आर्ट हमारे डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएगा। अब इस वर्ड आर्ट में अगर आपको कोई चेंजेस करना है, एडिट टेक्स्ट पर क्लिक करना है, ये आपको फॉर्मेट में मिल जाएगा। जैसे ही आपका वर्ड आर्ट सेलेक्ट होगा, आपके सामने फॉर्मेट मेन्यू या फॉर्मेट टैब ओपन होगा। इस टैब में आपको एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर आप वापस उसी डायलॉग बॉक्स में पहुंच जाएंगे जहां से आपने वर्ड आर्ट को लिखा था। यहाँ पर हम इस वर्ड आर्ट ऑप्शन को चेंज कर लेंगे, जैसे मुझे ये कैप स्मॉल में लिखना है। ओके, तो ये चेंज हो जाएगा। इस वर्ड आर्ट के जो ये कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं, वर्ड्स जो लिखे हुए हैं, इनकी जो स्पेसिंग है, इनके बीच का जो गैप है, इसको अगर आपको चेंज करना है, चाहे थोड़ा गैप को इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, तो हम उसको भी यहाँ से कर सकते हैं। ये सेकंड वाला ऑप्शन है स्पेसिंग। स्पेसिंग पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप, यहाँ पर आपको कई ऑप्शन मिल जाएंगे, वेरी टाइट, टाइट, नॉर्मल, लूज, वेरी लूज। आप कोई भी ऑप्शन यूज करके वर्ड का जो गैप है उसे चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक वेरी लूज वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो देखिए यहाँ पर गैप ज़्यादा हो गया है। अगर मैं वेरी टाइट करूँगा तो ये टाइट हो जाएंगे, बट हमें नॉर्मल रखना है। देन इवन हाइट, इवन हाइट से क्या होगा, जो आपके वर्ड्स लिखे हुए हैं, जैसे W कैपिटल में है, O स्मॉल में है, तो ये वर्ड तो स्मॉल ही रहेंगे जो स्मॉल हैं, लेकिन इनकी हाइट जो है बाकी वर्ड के बराबर हो जाएगी। तो जैसे ही हम इवन हाइट पर क्लिक करेंगे तो सभी वर्ड्स की हाइट जो है इक्वल हो जाएगी। देन अगर आपको इन वर्ड्स को वर्टिकल फॉर्म में लिखना है, अभी तो ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिखे हुए हैं, लेफ्ट से राइट लिखे हुए हैं, अगर आपको अप से डाउन लिखने हैं तो इसको सेलेक्ट करके आपको वर्टिकल पर क्लिक कर देना है, तो ये वर्ड आपके इस तरह से हो जाएंगे। वापस आपको इनको हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लाना है तो दोबारा हम वापस वहीं क्लिक कर देंगे, ये वापस आ जाएगा। तो अगर आपने वर्ड आर्ट में एक लाइन से ज़्यादा लिखी हुई हैं तो उस कंडीशन में इसका यूज होता है। जैसे अभी मैं इसको एडिट कर लेता हूँ और इनको दो लाइन में हम डिवाइड कर लेते हैं। ओके, ये वर्ड आर्ट हमने लिख लिया है। अगर अब मैं यहाँ पर इसको लेफ्ट अलाइनमेंट कर दूँ तो हमारे सारे वर्ड लेफ्ट में हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर गैप थोड़ा कम हो गया है, यहाँ पर इक्वल हो गया है, और अगर सेंटर करेंगे तो सेंटर हो जाएंगे। इसको थोड़ा सा और समझने के लिए हम माइक्रोसॉफ्ट कर देते हैं। ओके, आप ज़्यादा बेटर समझेंगे। तो अब हम इसको लेफ्ट करते हैं, सेंटर, राइट, जस्टिफाई, उसके बाद हम करेंगे स्टैट जस्टिफाई। स्टैट जस्टिफाई में क्या होगा, इन जो वर्ड, ये जो वर्ड हैं, ये कैरेक्टर हैं, ये वाले, इनकी जो विड्थ है वो बढ़ जाएगी इस तरह से। तो ऐसे हम अलाइनमेंट कर सकते हैं। अभी इस वर्ड आर्ट को हमें किसी दूसरे डिज़ाइन में लिखना है तो हम इसका डिज़ाइन भी चेंज कर सकते हैं। पहले हम इसको एक ही लाइन में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको वापस वन लाइन में ले जाते हैं। ओके, और जो ये वर्ड्स लिखे हुए हैं इन इवन हाइट को भी नॉर्मल कर देते हैं, तो ये हमारे नॉर्मल वर्ड हो जाएगा। अब हम इसको
चेंज करेंगे। देखिए आप डिफरेंट डिफरेंट शेप में इनको कन्वर्ट कर सकते हैं, जो भी शेप आप चाहते हैं वैसे ही आप यहाँ से चेंज कर लेंगे। ये स्टाइल्स हैं, यहाँ पर और भी स्टाइल हैं, उनको भी आप चेंज कर सकते हैं जो भी स्टाइल्स यहाँ पर बने हुए हैं इस तरह से। अभी मैं नॉर्मली रखता हूँ इसको, क्योंकि मुझे यहाँ पर और भी कमांड्स यूज करनी है, तो इसको अभी नॉर्मल रखेंगे। तो ये वर्ड जो है अभी यहाँ पर ये फिक्स है, इसको हम उठाते हैं तो ये मूव नहीं होता है, यहाँ पर ये फिक्स है यहाँ पर। तो अगर हमें इसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये टेक्स्ट रैपिंग में इसको जाकर इसको इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देते हैं। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट का मतलब होता है कि जो जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके ऊपर आ जाएगा ये, और ये आराम से इधर उधर मूव होने लगेगा इस तरह से। देन अगर आपको इस वर्ड के अंदर, वर्ड आर्ट के अंदर कलर फिल करना है, तो कलर फिल करने के लिए आपको सेव फिल पर क्लिक करना है, और यहाँ पर जो भी कलर आपको चाहिए उसको सेलेक्ट कर लेना है, देन वो कलर आपके वर्ड में फिल हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर फिल इफेक्ट्स भी हैं। नो फिल का मतलब होता है दोबारा से कलर को हटा देना। देन पिक्चर, आप पिक्चर को भी यूज कर सकते हैं, उससे पहले मोर कलर। अगर आपको ये जो आप कलर सो रहे हैं इनमें कोई कलर पसंद नहीं आ रहा है, तो आप मोर कलर में जाकर यहाँ से अपने उधर कलर बना लेंगे, जो भी कलर आपको चाहिए, और ओके वो कलर आ जाएगा। उसके अलावा नेक्स्ट जो है पिक्चर, आप पिक्चर को भी कलर के प्लेस पर यूज कर सकते हैं। तो पिक्चर पर क्लिक करते हैं, अभी यहाँ पर पिंक कलर फिल हो रखा है, तो हम पिक्चर के लिए सेलेक्ट कर लेते हैं कोई पिक्चर, यहाँ डेस्कटॉप पर जाते हैं, डेस्कटॉप पर मैंने कुछ पिक्चर सेव की हुई हैं, तो हम उन्हें फिल कर लेते हैं। जैसे ये वाली पिक्चर ले लेते हैं, इंसर्ट, तो देखिए ये वाली पिक्चर होती है ये इसके अंदर आ गई है। उसके बाद अगर आपको इसे हटाना है तो नन कर देंगे, नो फिल। देन अगर आप ग्रैनाइट यूज करना चाहते हैं, यहाँ पर वो कलर यूज होगा जो आपने सेलेक्ट कर रखा है। जैसे अगर रेड कलर सेलेक्ट कर रखा है, तो रेड कलर के अकॉर्डिंग ग्रैनाइट यहाँ पर चेंज हो जाएगा, जैसे चाहे आप वैसे कर सकते हैं। देन टेक्सचर भी आप यूज कर सकते हैं, कुछ टेक्सचर्स भी अवेलेबल होते हैं यहाँ पर, उन टेक्सचर्स को भी हम कलर के प्लेस पर यूज कर सकते हैं। ये टेक्सचर्स यहाँ पर इनको यूज किया जा सकता है, जैसे ये वाला टेक्सचर यूज करना है तो इसको यूज कर लेंगे, या फिर पैटर्न यूज कर सकते हैं, कुछ पैटर्न्स भी हमारे पास होती हैं पैटर्न, जैसे ये हमारी वॉल वाली पैटर्न रखनी है, इसमें कलर भी आप चेंज कर सकते हैं पैटर्न का, किस किस कलर की पैटर्न रखनी है। अब आपको जैसी पैटर्न रखनी है, ये आपको यहाँ पर इसका प्रीव्यू शो हो जाएगा, और ओके करेंगे तो ये हमारा वर्ड आर्ट में भी आ जाएगा। उसके बाद जो आपका ये जो वर्ड आर्ट लिखा हुआ है, इस वर्ड आर्ट में आप लाइन को भी चेंज कर सकते हैं, जो आउटलाइन होती है इन वर्ड्स की उसको भी चेंज किया जा सकता है। तो शेप आउटलाइन में जाएंगे, और यहाँ पर जो आउटलाइंस हैं उनको हम यहाँ से चूज कर लेंगे। ये साइज है आउटलाइन का, क्या साइज रखना है, और कलर तो हम बाद में चेंज कर लेंगे यहाँ से, कोई बात नहीं, कलर ये आप कर लेते हैं चेंज। ये देखिए कलर जो भी हम चाहें वो यहाँ से ले सकते हैं। देन कलर किस तरह, जो लाइन है वो किस तरह की होंगी, डॉट में होंगी, या जैसी भी लाइन चाहें आप वैसे यहाँ से चूज कर लेंगे। उसके बाद जो आपका ये वर्ड लिखे हुए हैं, वर्ड आर्ट लिखे हुए हैं, इनकी जो शेप है, डिजाइन है, उसको भी चेंज किया जा सकता है। जैसे ये वाला शेप करना है, ऐसे रखना है या ऐसे रखना है, जैसी भी आप चाहें वो शेप आप यहाँ से अपनी मर्जी से चूज कर लेंगे। ये देखिए यहाँ से ये वाला डिजाइन इस तरह से, जैसी भी आप चाहें वैसे ही आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग शेप्स को चेंज कर लेंगे। जैसे अगर आपको गोल लिखना है इसको, तो यहाँ से आप गोल वाला ले लेंगे, सर्कल में, इस सर्कल में आ जाएगा। देखिए इस सर्कल में आ गया है, माइक्रोसॉफ्ट ग्राफिक्स पूरा सर्कल में आ गया है। अगर टेक्स्ट बड़ा होगा तो ज़्यादा अच्छे से हमें यहाँ पर दिखाई देगा। देखिए ओके, अब देखिए इस तरह से हम इसको चेंज कर लेंगे, ये आ गया। ऐसे
या फिर हम इसको नॉर्मल भी रख सकते हैं। लाइन इसकी हम 9 लाइन कर देते हैं ताकि ये अच्छे से दिखाई दे जाए, और फालतू टेक्स्ट को हम एडिट करके रिमूव कर देते हैं। ओके, ये आ गया हमारा नॉर्मल टेक्स्ट। देन अगर आपको इस वर्ड पर शैडो भी देनी है तो आप वो भी दे सकते हैं शैडो इफेक्ट से। यहाँ पर आपको शैडो जैसी भी चाहिए वैसी शैडो आप यहाँ से क्लिक करके यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ये शैडो यहाँ पर अवेलेबल हैं, इन शैडो को आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। उसके अलावा हटानी है तो नो शैडो क्लिक कर देंगे तो यहाँ से हट भी जाएगी ये। अगर आप 3D शैडो चाहते हैं तो वो भी आप यूज कर सकते हैं 3D शैडो में जाकर। ये 3D शैडो भी यहाँ पर कुछ अवेलेबल हैं, उन शैडो को भी आप यूज कर सकते हैं। जो भी आप चाहें, जैसे भी आप 3D शैडो चाहें वैसे आप यूज कर सकते हैं। जैसे मैं ये वाली शैडो यूज कर लेता हूँ। इस शैडो को अगर आपको रोटेट करना है तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग रोटेट भी कर सकते हैं। ऐसे अपने अपनी मर्जी से जैसे भी चाहें वैसे रोटेट कर सकते हैं इस तरह से। उसके बाद ये जो पोजीशन है इसका यूज जो होगा हमारा, इसका यूज भी हम देख लेते हैं कैसे होगा। पहले हम इस वर्ड को थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि अच्छे से हमारी समझ में आ जाए। ये हम इस तरह से छोटा वर्ड यूज कर लेंगे और इसकी शैडो को हम हटा देते हैं। अभी ये हमारा वर्ड नॉर्मल हो गया। इसके अंदर कलर फिल भी हम नॉर्मल कर लेते हैं ताकि ये अच्छे से दिखाई देने लगे। देन यहाँ पर हम कुछ सेंटेंस लिख लेते हैं। ये एक पैराग्राफ हमने यहाँ टाइप कर लिया है। अब इस पैराग्राफ पर हम इसको देखते हैं कैसे इसका यूज होगा। जो ये वर्ड है अभी हमारा पैराग्राफ के ऊपर आ रखा है, तो अब हम इस वर्ड को यूज करेंगे पोजीशन में यूज करेंगे। अगर हम यहाँ क्लिक करते हैं तो देखिए ये जो वर्ड हमारा ऊपर पहुँच गया ऑटोमेटिक। इसके बाद यहाँ क्लिक करते हैं तो ये इस तरह से कॉर्नर में आ गया है, यहाँ पर सेंटर में आ गया है, फिर इस कॉर्नर में आ गया है। यहाँ क्लिक करते हैं तो ये पैराग्राफ के यहाँ पर सेंटर में आ गया है। इधर देखिए ऐसे हम कहीं भी इसे मूव करेंगे तो ये ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। ऐसे हम यहाँ पर इनको यूज कर सकते हैं। देखिए ये इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा। जहाँ पर भी ये वर्ड मूव होगा वो वहाँ से जो पैराग्राफ का टेक्स्ट है उसको वहाँ से हटा देगा और खुद वहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा। देन अगर हम चाहें तो इसको इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर सकते हैं, मतलब टेक्स्ट के ऊपर आ जाएगा, जो वर्ड्स लिखे हुए हैं इनके ऊपर आ जाएगा। ये वर्ड्स के ऊपर आ गया है। ये देखिए, चाहे तो हम इस वर्ड को जो पैराग्राफ है इसके पीछे भेज सकते हैं। तो यहाँ पर सेंड बिहाइंड टेक्स्ट करेंगे, बिहाइंड टेक्स्ट, तो ये हमारे वर्ड्स के पीछे चला गया। अगर वापस आपको ऊपर लाना है तो इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट ये यूज कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी ऑप्शन को भी आप अकॉर्डिंग टू योर नीड यूज कर सकते हैं। यहाँ पर और बाकी भी ऑप्शन भी हैं, उनको भी आप यूज कर सकते हैं, बट ये इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट ज़्यादा यूज किया जाता है। देन आपका यहाँ पर एक है ब्रिंग टू फ्रंट और सेंड टू बैक, ये दो कमांड्स हैं। अगर आपने दो वर्ड लिखे हुए हैं सेम, या कोई भी दो वर्ड आपने लिखे हुए हैं इस तरह से, दो ऑब्जेक्ट हैं आपके साथ, जैसे एक ऑब्जेक्ट हमारा तो ये है, एक हमने यहाँ पर एक बॉक्स बना रखा है, इंसर्ट में एक बॉक्स बना रखा है, शेप बना रखी है ये वाली इस तरह से, और इस शेप के अंदर भी आपने कलर फिल कर रखा है। ये जो शेप है अभी इस वर्ड के ऊपर आ रखी है, तो आपको इस शेप को पीछे भेजना है, किसके, जो हमारे वर्ड आर्ट है उसके पीछे। तो हम इस शेप को सेलेक्ट करेंगे और
सेंड टू बैक कर देंगे तो ये शेप जो हमारी वर्ड के पीछे चल जाएगी। अब इस ऑब्जेक्ट को भी हम ऐसे यूज कर सकते हैं, जैसे ये हमारा जो वर्ड आर्ट है इसको आपको बैक में करना है तो सेंड टू बैक कर देंगे, और फ्रंट बनाना तो ब्रिंग टू फ्रंट कर देंगे। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट इस दूसरे ऑब्जेक्ट के फ्रंट पे या बैक में चला जाएगा। आज की क्लास के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम पिक्चर सेलेक्ट कमांड को समझेंगे।